सरिता और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दूध और ब्रेड से बनी हुई मिठाई, और इसे बनाना बहुत ही आसान है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। अगर आपको मेरे दूध और ब्रेड से बनी हुई मिठाई की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए, और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध, 6 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आधा कटोरी मैंने चीनी लिया है और 1 कटोरी मैंने दूध पाउडर लिया है। मैंने कढ़ाई को हीट होने के लिए रख दिया है। अब मैं उसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा दूध, इसे गर्म होने दूंगी। दूध हमारा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी दूध पाउडर। थोड़ा थोड़ा दूध पाउडर डालकर इसमें मैं मिलाऊंगी, इसमें जैसे लम्स ना पड़े। इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा चीनी, मैंने इसमें 1 चम्मच चीनी डाला है। इसे अच्छी तरीके से मैं पकाऊंगी और इसमें डाल दूंगी मैं 1/2 चम्मच ड्राई फ्रूट्स। इसे हम मीडियम आंच पे पकाएंगे। इसे हम गाढ़ा होने तक इसी तरीके से चलाते रहेंगे, जैसे ये तले में ना चिपके। इसमें मैं डाल दूंगी बटर, आप इसमें घी भी डाल सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो उसे आप डालिए। और इसे अच्छी तरीके से मैं मिला लूंगी। इसका हमें गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये हमारा मावा बनकर तैयार हो गया है। इसे हम अच्छी तरीके से मिलाकर उतार लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, और ये हमारा मावा बनकर तैयार हो गया है। मैं इसे एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। रबड़ी को तैयार कर ले। कढ़ाई में मैं दूध डाल दूंगी और इसका मैं रबड़ी तैयार कर लूंगी, और इसे मैं गाढ़ा होने तक इसी तरीके से पकाऊंगी। ये हमारे दूध में उबाल आ गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी, और दूध को हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे जिससे ये तले में ना चिपके, वरना इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। ये हमारा दूध गाढ़ा हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स और इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। ये हमारा दूध गाढ़ा हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी। आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं, मैं इसमें हल्दी का यूज कर रही हूँ। और इसे 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। दो मिनट हो गए हैं, अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में शिफ्ट करके फ्रिज में 15 मिनट के लिए रख दे रही हूँ। मैंने एक ब्रेड ले लिया है और इसे मैं थोड़ा सा इस तरीके से गीला करूंगी पानी लगाकर, जिससे ये नरम हो जाए, और इसके साइड के किनारों को मैं काट दूंगी।
पे थोड़ा पानी और हम लगाएंगे और इसे पतला बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेलेंगे वरना ये टूट जाएगा। इस तरीके से हम पतला इसे बेल लेंगे और जो मावा मैंने बनाकर रखा था उसे इस तरीके से बीच में डाल दूंगी और इस तरीके से इसे मैं मोड़ लूंगी। इस तरीके से मोड़ के ये तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड के रोल को तैयार कर लूंगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ये हमारे सारे रोल बनकर तैयार हो गए हैं और हमारे दूध की रबड़ी भी ठंडी हो गई है। तो चलिए मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। प्लेट में ब्रेड रोल को लेके उस पर मैं सारी ठंडी रबड़ी को उस पर डाल दूंगी और इसे 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारी ब्रेड और दूध से बनी हुई मिठाई सर्व करने के लिए तैयार हो गई है। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा बना है। आप इस दूध और ब्रेड से बनी हुई मिठाई को जरूर ट्राई करें।